नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। कल सुबह से ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई से स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग को लेकर लगातार लगभग हर मिनट पर इस मामले से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिन दो युवकों ने फायरिंग की उनके सीसीटीवी फुटेज से लेकर इस मामले पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बयान भी सामने आ चुका है। सलमान का पूरा परिवार उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। भाई अरबाज भी इस घटना के बाद सलमान से मिलने पहुंचे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सलमान और अरबाज के रिश्तों के बारे में। एक इंटरव्यू में सलमान खान के भाई अरबाज ने उनके और भाईजान के बीच रिश्ते में के बारे में खुलकर बात की। अरबाज खान ने बताया था कि सलमान से उनकी ज्यादा बात नहीं होती। दरअसल अरबाज खान ने सोहेल खान के बेटे अरहान खान के पॉडकास्ट शो दम बिरयानी में अपने और सलमान खान के रिश्तों पर खुलकर बात की। एक्टर ने कहा, मैं और सलमान खान वैसे तो बहुत क्लोज हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, हम एक दूसरे से हर रोज बात नहीं करते, लेकिन जरूरत के वक्त हमेशा एक खंभे की तरह सहारा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरबाज खान ने आगे कहा कि हम सारे भाई जब अपने अपने काम कर रहे होते हैं तो हम जरूर एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जब भी हम तीनों भाइयों पर कोई पर्सनल या प्रोफेशनल मुसीबत आई तो हम तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। बता दें कि सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, कभी कॉल तो कभी मैसेज। इसके अलावा उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। इस धमकियों के पीछे की वजह है सलमान खान से जुड़े हिरन मामले में लॉरेंस बिश्नोई की उनसे नफरत। साल 1998 के दौरान सलमान खान अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान एक्टर पर उनके को स्टार के साथ काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था। बता दें कि सलमान खान को साल 2018 में धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से हिरन केस पर माफी मांगने को कहा था, लेकिन इस पर सलमान खान की तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन ना मिलने पर उन्हें कई बार मेल और फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद से भी सलीम खान और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से धमकियां दोबारा मिलने लग गई हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।